मैंने वो चीज अभी वही है, ये तो है कि इस साल बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बीच में बस वो ग्रोइन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन ये तो था कि इस साल लग जाएगी। और मैंने वो चीज अभी टाइम और उसके ऊपर छोड़ रखी है। 2018 से ये 88 मीटर थ्रो लगती है और 90 ये काफी क्लोज लगी पिछले साल भी, पर ये वही है कि एक कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफी थ्रो लगा चुका हूँ, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि थ्रो कई बार थ्रो से ज्यादा मेडल होता है, गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोअर थे और उनके बीच में आप कम्पीट कर रहे हो और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और वही चीज मुझे लगता है कि ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन में हमको कॉन्फिडेंस देती है। और थ्रो का मैं मानता हूँ कि जहाँ जब 90 मीटर लगेगी तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको कंसिस्टेंट रखूँ, और उसके लिए मेहनत तो अच्छी हो रखी है। और अभी बस वही है, दिन और टाइम का वेट है कि कब निकलेगी, निकल तो जाएगी। पर हाँ, ये जरूर है कि अरशद के बारे में बताना चाहूंगा कि अच्छा लगा कि अरशद ने भी अच्छा थ्रो किया और हम बाद में मिले थे, वो भी ऐसे खुश था कि हमारी दोनों कंट्री इतना ग्रो कर रही हैं और यूरोपियन एथलीट्स पहले होते हैं ज्यादातर और अभी हम इनके बीच में जीत रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है अपने उसके लिए, अपने देशों के लिए। तो ये अच्छा लगता है कि देख के ये चीज। और अपने वहां पे हमेशा एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही देते हैं लोग, हमेशा इंडिया पाकिस्तान करके, तो वो चीज ठीक है। अगर वो प्रेशर इतना बड़ा वहां पे इतना झेलना आ जाएगा तो फिर बाकी के जो कॉम्पिटिशन होंगे, ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो वहां पे फिर वो चीज मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में इससे बड़ा प्रेशर बना देंगे अपने वहां पे लोग, तो ये राइवलरी वहां पे शुरू कर देते हैं। पर मैं इस चीज को अभी कोशिश करूंगा कि आराम से लें और अपने आप को हेल्दी रखें। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है मेरे लिए कि हेल्दी रहूं और इंजरी ना हो, बाकी तो देख लेंगे। ये सर पता नहीं, मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, थोड़ा और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलाजिनी जैसे हैं अगर जल में बात करें तो। पर यह है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अभी और ज्यादा और काफी कुछ करना है, तो उस पे फोकस करेंगे अभी। मुझे तो लगता है जी बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम पिछले वाली से वो करें तो पिछले बार हमारे ट्रिपल जम्पर्स ने, लॉन्ग जम्प में श्रीशंकर फाइनल में था, और मतलब पिछली बार भी अच्छा रहा था। सबसे अच्छी बात है कि पिछली बार के हिसाब से अगर इस बार इवेंट्स देखे तो बिल्कुल एथलीट्स अलग थे, और दूसरे अलग इवेंट्स में 400 मतलब अपनी 4x400 रिले में कितना अच्छा किया, एशिया रिकॉर्ड किया, तो वो चीज कि नए एथलीट्स आए हैं और नई उम्मीद जगाई उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये अगले ओलंपिक्स में हम बहुत ही अच्छा होल्ड करके जाएंगे अपना तैयारी, और हमको ये चीज नहीं देखनी चाहिए क्योंकि कई बार एथलीट को बहुत अच्छी तैयारी होती है। मेरी श्रीशंकर से बात हुई थी, अविनाश से बात हुई थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। मुझे लगता है कि जितना बाकी लोग सभी बोल रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उनको फील हो रहा होगा कि क्या कमी रही है और उनको क्या चीज। मैं उनसे ये बात बोल रहा था कि इस कॉम्पिटिशन से निराश मत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा निराशा होती है जब इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे क्या चीज गलत हुई है, क्या चीज की कमी रही है, वो आप ही लोग रात को जब लेटने से पहले उस चीज को सोचो, और वो कमी दोबारा हमको नहीं करनी है। और उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड में बताया हुआ है कि हाँ वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज मुझे लगता है कि ऐसे समय को मोटिवेशन के उस पर लेना चाहिए, और आगे के फ्यूचर कॉम्पिटिशन में ये हेल्प करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी, और साई टॉप सभी टीम भी यहाँ पे आई थी, और जिस तरीके से काम हो रहा है और हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, एथलीट ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारा एथलेटिक्स नेशन होने वाला आगे जाके।